धान के काश्तकारों के नाम अहम पैगाम। धान बढ़ाए शान, वक्त इस्तेमाल। नर्सरी की मुंतकली के 3 दिन के अंदर जड़ी बूटी उगने से पहले। तरीका इस्तेमाल, 1 पैकेट 75 ग्राम कौंसल एक्टिव को 1 लीटर पानी जिसकी पीएच 6 से 7 हो में हल करें और नर्सरी की मुंतकली के बाद 3 दिन के अंदर अंदर खेत में शेकर बोतल के जरिए 1 एकड़ में दरमियानी रफ्तार से चलते हुए दाएं बाएं छिड़काव करें। छिड़काव करते वक्त खेत में कम से कम 2 से 3 इंच पानी खड़ा हो। कौंसल एक्टिव इस्तेमाल करने के बाद खेत में 7 से 10 रोज पानी खड़ा रखें। हुक्मरानों की खिदमत में चंद गुजारिशात। मौजूदा हालात का तकाजा तो ये था कि गजाई किल्लत से बचने के लिए किसान तंजीमों की मशावरत से फौरी ज़रई रिलीफ पैकेज दिया जाता, लेकिन आपकी तरजीहात कुछ और हैं। बकौल मरकजी मशीर खजाना, ज़रात को कुछ खैरात मिलने वाली है, जो भी देना है मार्केट में सस्ता कीजिए। स्क्रैच कार्ड टोकन सब फ्रॉड है, मजाक है। किसानों को अब तक कुछ नहीं मिला। डीजल बिजली और बिजली के कनेक्शन सस्ते कीजिए। बीज और ज़रई केमिकल्स के मीयार और कीमतों पर नज़रसानी की भी अशद ज़रूरत है। टनल सब्जियात मुल्की ज़रूरियात से ज़ायद हैं, इनकी बरामद खोलिए। सब्जियों की मज़ीद बरवक्त काश्त भी हो चुकी है। किसान को खसारे से बचाइए। सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला देने वाली फसल कपास मुल्क के लिए सोना है। नाकस बीज और हुकूमती बेतवज्जही से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। फौरी इकदाम की ज़रूरत है, ये वक्त मुतकाजी है। फौरी ज़रई एमरजेंसी लगाने का, किसानों के तमाम वाजिबात माफ़ करने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने का वक्त है। किसान बोर्ड पाकिस्तान, किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। कोई तो जुर्म था जिसमें सभी मुलव्वस हैं, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए फिरता है। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया।